सो गाइस, आज के हम लोग बात करने वाले पोकेमोन प्लैटिनम को। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ये जो दोनों छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, मतलब है बड़े पर मेरे सामने तो बच्चे ही है सब, ये मार्स और जुपिटर, इन लोग को मैंने बैंड बजा दी थी बैरी के साथ मिलके, फिर बैरी भाग गया था। साथ ही साथ डियाल्गा और पालकिया कब्जे में थे उसके साइरस के, जिससे लेक गार्डियंस ने मदद की छुड़ाने में। और साथ ही साथ ये डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का गेट खुल चुका है, तो उधर ही गिरेटीना उसको ले गया है साइरस को। तो हमें अब साइरस के पीछे जाना है सिंथिया के साथ। तो चलो लेट्स गो इन डिस्टॉर्शन वर्ल्ड। तो हम लोग आ चुके हैं डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में, और ये रही प्यारी से सिंथिया। दिस प्लेस, थोड़ी लड़की वाली आवाज़ का, तो कैन यू फील इट, देयर आर नो पोकेमोन हियर एट ऑल। Time isn't flowing and space is unstable. A world where the rules are broken. A space one might call the distortion world. Let's find Giratina. We need it to stop the spreading distortion at the spear pillar. Oh, ye Giratina hi tha na? That was Giratina. We have to hurry. If something not done, the distortion will swallow not only our world, it will overwhelm the distortion world. Okay, चलो जहाँ सिंथिया जा रही है हमें उसके पीछे पीछे जाना है बस। तो सिंथिया कहाँ गई थी वैसे? ओ ये तो रही, चलो इसके साथ चले। This rock slab. क्या? This rock slab? It's appear to move if you step on the center spot. ओ हम लोग अगर बीच में अगर आएंगे तो ये मूव करेगा। ओके हम लोग नीचे जा रहे हैं। Will it get to see Giratina if keep going down? In the distortion world, are we really traveling downward? वो भाई मतलब गिरेटीना कुछ ज़्यादा ही नीचे यार, डिस्टॉर्शन वर्ल्ड कैसी है? और ये देख रहे हो इसमें मैं क्रिश बना हुआ एकदम, ला 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 ला, मतलब देख रहे हो, क्योंकि ये एक डिस्टॉर्शन वर्ल्ड, इधर का थोड़ा माहौल अलग है, हमारी पृथ्वी की तरह नहीं। ओ मैं स्प्रेड गया, इधर मेरा वजन भी कम होगा इसके अंदर हम लोग। ओ ये क्या है, ये क्या हो गया स्क्रीन को, पता नहीं क्या हुआ। ओ डोंट टेल मी हमें इस पे चढ़ने, व्हाट कितना कूल चीज़ है। कौन अभी पटाखे फोड़ रहा है, दिवाली चली गई चल बे। ओ भाई कितना कूल चीज़ है यार, इधर पता है वो हमारी पृथ्वी जैसे अर्थ रहता है पोकेमोन वर्ल्ड भी, उधर एकदम नॉर्मल है, पर इधर डिस्टॉर्शन वर्ल्ड थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग फ्लोट कर रहे हवा में एक हिसाब से। मैं तुमको समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं को समझाने नहीं आता, अगर इतना ही अच्छा मैं समझा सकता तो मैं अभी पढ़ाई में अच्छा होता, टीचर बन जाता अभी से ही। वो सिंथिया मुझे दिख गई, सिंथिया के ही पीछे जाने, सिंथिया आ गई है मैंने देख लिया, मेरी नज़रें बहुत अच्छी है सिंथिया के लिए। चलो वो ये आ गया इस बार, शायद इस पे ही चढ़ना है अभी मुझे लग रहा है। आई गेस मैं सही कर रहा हूँ जहाँ जहाँ जाना है। और राइट अब इधर, ओ इधर क्यों नहीं जाना है, तो पीछे नहीं तो इधर, ओ कहीं नहीं जाना है हमें, वापस जाना है क्या? लगता है मैं गलत आ गया। तो अब इधर से आई गेस हमें ये वाले को टच करना है, हाँ इधर जाना था। और सिंथिया कहाँ गई, मैंने इधर तो देखा था उसे। हेलो सिंथिया, वेयर आर यू? अरे एक तुम कंट्रोलर थोड़ा अलग हो जाता है ऐसे करो तो भाई सही में। ओ ये रही सिंथिया, हाय सिंथिया। द लेजेंड ऑफ गिरेटीना हैज बीन ऑल बट फॉरगॉटन बट टू अ फ्यू। द लेजेंड टोल्ड ऑफ अ वर्ल्ड ऑन द अदर साइड ऑफ अस दिस वर्ल्ड। व्हाई डज दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट, व्हाई इज गिरेटीना हियर ऑल डाउन? There's so much that can't be explained, but we have things to do. Let's split up. We have to find the right way. Oh, अब सिंथिया मेरे पीछे हो गई। यार सिंथिया तू ही आगे चलती, तेरे ही तो पीछे पीछे मुझे जाना था, पर ठीक है। और हाँ मैं ये बताना भूल गया कि तुम लोग चिप्स कुरकुरे रेडी रख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, इसीलिए वो थोड़ा लेट हो गया बताने में, पर ठीक है। और सिंथिया कह रही थी कि ये क्या बोलते हैं कि ये वर्ल्ड किस लिए है, गिरेटीना क्यों है इधर? तो मैंने जहाँ तक सुना है, मतलब आई मीन मैं पोकेमोन का फ़ैन हूँ थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ, तो
उसमें क्या है, गिराटीना, अगर ये वर्ल्ड नहीं रहेगा ना तो हमारी जो अर्थ है पोकेमोन वर्ल्ड वो भी नहीं रह पाएगी, मतलब बैलेंस्ड नहीं रहेगी। ये है ना, ये वर्ल्ड डिस्टॉर्शन वर्ल्ड रियल वर्ल्ड को मतलब कि वो बैलेंस कर रहा है, नहीं तो अगर ये ना रहे तो उसमें भी कुछ दिक्कत रहेगी, बात ये है। और मैं बातों बातों में पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी जगह है यार, मैं क्या करूँ, मैं बहुत खोने वाला हूँ इसमें, पर मैं कोशिश करूँगा सही जगह जाने का। आई गेस हम लोग सही जा रहे हैं क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं। मैं सब जगह देख रहा हूँ कि कहाँ से जा सकते हैं। और बाय द वे डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ फॉलो कर लो अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है तो, यार आ जाओ यार। और सोल प्ले अगर तुम देख रहे हो तो फिर से मैं बता रहा कि आओ यार, क्या कर रहे हो, डिस्कॉर्ड पे क्यों नहीं आते, पता नहीं यार तुम बार बार मेरे को यूट्यूब पे क्यों भेजते हो, पोकेमोन यूनाइट खेलोगे, अगर कुछ बात है ये वो तो बताओ यार, डिस्कॉर्ड पे एक बार आके थोड़ा बता दो कि क्यों नहीं आ रहे डिस्कॉर्ड पे। ओ भाई ये क्या हुआ, गायब हो गया ज़मीन, अबे मैं फिर ऊपर क्यों जा रहा हूँ। हाँ सोल तो बताओ, और बस सोल नहीं कोई भी जुड़ सकता है डिस्कॉर्ड पे, आ जाओ यार हम लोग मस्त गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे साथ में, मतलब फुल माहौल बनाएंगे। और मेरा 1K सब्सक्राइबर होने वाले, तो जाओ 1K कर दो यार इतनी अच्छी सीरीज़ के लिए। ओसायरस आगे, द शैडोइंग पोकेमोन इजंट हियर, इट अबैंडन्ड ही मी हियर देन डिसअपीयर समवेयर फर्दर डाउन, वॉज इट कॉन्टेंट मेरली टू इंटरफेयर विथ माई प्लान, इंसिडेंटली डोंट यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ जेंस जेनस, इफ इट्स ट्रू योर इम्प्रेसिव जेनस कैन बी कंसिडर द ब्लू प्रिंट डैट इंक्लूड्स ह्यूमन जेनस आर कंटेन इन अ DNA, अ DNA स्ट्रेंस कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स ऑफ अपोजिट कैरेक्टर इन स्पीड, इफ वन चेन वर ब्रोकन द अदर कुड रिप्लिकेट वन और कैन नॉट बी, डू यू अंडरस्टैंड वेर आई एम गोइंग विद दिस, This is a bizarre world. Time doesn't flow. Space isn't stable. Only that shadowy Pokemon lives here. This world is the opposite of our world. Our world I wish to change. It is like the two chain opposing the stand DNA. The two world must be balancing each other to remain in existence. Without the one, the other cannot exist. The shadowy Pokemon must play a role in keeping the world in balance. That is why it must have interfered and brought me here. The shadowy Pokemon must have made the bizarre world. That's why trying to change our world disrupted it and made it. But that is all irrelevant. What matters is defeating that Pokemon and making this world disappear. I won't allow it to interfere with me again. It is gone, neither world will be able to revert to this its origins. देखा मैंने जैसा कहा था, साइरस भी वही कहा है कि हम लोग कि ये वर्ल्ड है, अरे मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो वर्ल्ड, वो भाई मैं इस साइड नहीं जा पा रहा, ये गायब हो जा रहा है पता नहीं क्यों। जैसा मैंने बताया था कि अगर ये वर्ल्ड नहीं रहेगी तो हमारी रियल वर्ल्ड भी बैलेंस नहीं रहेगी, तो इसीलिए वो भी साइरस ने भी समझाया। और एक तो इतना भाषण दिया, मेरा पढ़ पढ़ के गला सूख गया, वैसे तुम लोग भी पढ़ सकते हो पर तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करो। हाँ मैं इतनी मेहनत करके दे रहा हूँ ताकि तुम लोग मुझे लाइक्स दो, 15 लाइक का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट करो। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ फॉलो करो, कमेंट जो पहले करेगा उसको मैं पिन कर दूँगा, साथ ही साथ क्या करेंगे, हाँ साथ ही साथ सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ कर दो यार, 1K हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है, मेरे 800 सब्सक्राइबर हो गए, बस 200 और फिर 1K होगा। और 1K पे मैं अपना नाम बताऊंगा, आई नो मैंने फर्स्ट न्यू ईयर पे अपना नाम बोला था, डिस्कॉर्ड वालों को बताऊंगा, पर एक ही आए थे, मतलब एक ही बंदा आया था डिस्कॉर्ड पे, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, तो मैं को अब इधर 1K होगा यूट्यूब पे तभी बताऊंगा सबको। मैं सोचा था सबसे पहले पता है अपने मेन लोगों को बताऊंगा, जैसे लाइक मैं जानता हूँ डिस्कॉर्ड पे एक दो लोग हैं बहुत पहले जब थे, उन्हें मैं सोचा था बताने का, जैसे सोल है, और मेरे साथ एक
जब मैं पोकेमॉन हार्ट गोल्ड की सीरीज़ खेलता था तो एक आर्यन कुमार थे जो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था मेरे को वो सीरीज़ पे, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था ये सीरीज़ पे। और तो मैंने सोचा तो वो लोग को बताने के, पर आर्यन कुमार का ये था, वो बोले कि जब गर्मी की छुट्टी होगी उनकी तब वो डिस्कॉर्ड पे आएंगे, खेलेंगे हम लोग साथ में गेम्स। पर मुझे सोल प्ले का नहीं पता वो क्यों गायब हो गए। वो मुझे कह भी रहे कि 100 सब्सक्राइबर थे आपके तब से मैं आपको देख रहा हूँ, पर यार मैं क्या करूँ यार, तुम ही डिस्कॉर्ड पे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हो। मैं नहीं बोल सकता अब कुछ। चलो ठीक है, एक तो बातों में मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, ये वर्ल्ड बहुत कन्फ्यूजिंग है सही में। अगर तुम्हें कभी ऐसा मौका मिले ये वर्ल्ड पे रहने का तो क्या तुम रहना चाहोगे? अगर मेरा बस चले मैं बस घूमने जाऊंगा, रहने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मतलब तो थोड़ा मेरे को उड़ना भी है, मतलब मेरा बहुत मन करता है उड़ने का। मैं लड़का हूँ, मैं पापा का परी तो नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं उड़ पा रहा। अगर होता एक बार पापा की परी तो उड़ लेता, पर नहीं हूँ ना, इसीलिए तो मुझे उड़ने का मन करता है। इसीलिए मैं ऐसी वर्ल्ड में घूमना चाहूँगा बस, क्योंकि अकेले में मेरे को गिरेटिना के साथ ये छुपन छुपाई नहीं खेलनी, वो इतना ख़तरनाक है, पता लगा उसको कभी भूख लगा मेरे को खा ले तो यार उससे पंगा तो नहीं लेना है बिल्कुल भी। ओ इधर आना था, मैं कब से इधर उधर भटका पड़ा था। चलो अब सही आ गए। सही में यार गिरेटिना बहुत ख़तरनाक दिखता है, तुम्हें लगता है कि नहीं? अगर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन मतलब अगर म्यू है ना, म्यू उसके साथ मैं मतलब रहना चाहूँगा, वो कितना क्यूट सा है। मतलब मुझे तो लगता नहीं होगा कि वो किसी को चोट भी पहुँचाएगा। म्यू टू के साथ तो नहीं रहना चाहूँगा, वो तो बहुत ख़तरनाक लगता है। म्यू के साथ तो रहना चाहूँगा, बहुत सही है, क्यूट सा, क्यूट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो उसका डबल फ़ायदा है। मतलब उससे डर भी नहीं लगेगा और वो ताकतवर भी है। ओह इधर बोल्डर क्या कर रहे हैं, हमें शायद स्ट्रेंथ यूज़ करना है। ओह युगजी भी दिख गई, हमें पिछली बार मिसप्रिट दिखी थी बहुत पहले, अभी युगजी दिख गई ठीक है। और ये नीचे जा रही है ना, नीचे गई कि आगे पता नहीं, शायद नीचे गई थी। तो क्या हमें ये बोल्डर गिराना है, क्योंकि देखो ये बोल्डर को और कुछ नहीं कर सकते, कहीं भी हिला नहीं सकते, तो बस एक ही जगह बचती है जो कि है ये। तो आई गेस हमें गिराना था। और इधर पानी है, इधर ऐसे वर्ल्ड में भी पानी। ओ युगजी नीचे ही है, ओके। और इधर कुछ है क्या जो पानी होनी है, देखते हैं। नहीं इधर तो कुछ नहीं है, पता नहीं। पर यार कल का वीडियो मैं सही में बहुत क्रेजी था, जाके जरूर से देखना, काफ़ी कुछ हुआ था उसमें। हमने एक तो बैटल की थी और साथ ही साथ स्टोरी जानने का मौका मिला था, बहुत सही स्टोरी थी। और मेरे को समझ नहीं आ रहा ये पानी इधर क्यों थे, मतलब इधर कुछ रास्ता ही नहीं है, बेफालतू का ही उल्लू बनाए मुझे। पर ठीक है, अब भाई एक ही रास्ता बचा है, इधर ही चल सकते हैं। और आई गेस हमें इधर से कूदना है और फिर इधर भी। युगजी नीचे क्या कर रही है? ओ इधर भी एक बोल्डर है, इसको भी कहीं हिलाया नहीं जा सकता, मतलब नीचे ही फेंकना है। ओ भाई मैं स्प्रिट भी दिख गई फिर से, बस अजेल्फ नहीं दिखा अपने को, शायद आगे वो भी दिख जाएगा। और हाँ तुम लोग को ये तीन लेक गार्डियंस में कौन सा मतलब कि अच्छा लगता है? मुझे अगर देखा जाए अजेल सही लगता है। एक तो मतलब कि वो क्या था मैं भूल गया, मतलब युगजी तो इंटेलिजेंस वाली है, वो नीचे सिंथिया में। अरे मैं सोचा ये नीचे जाएगा, तो ऊपर जा रहा है, मैं गलत तो नहीं आ रहा? क्योंकि हमें तो एकदम नीचे जाना था, गिरेटिना एकदम नीचे होगा ना। पर ये कुछ नया रास्ता है, शायद हम सही आ रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं। हाँ चलो, मैं स्प्रिट इमोशंस बताती है, युगजी इंटेलिजेंस, वो गिरेटिना ऊपर ही है। और साथ ही साथ अजेल्फ का क्या था, विल पावर, हाँ विल पावर मतलब ताकत का है वो। और डिज़ाइन में भी देखा जाए मुझे अजल्फ का डिज़ाइन सही लगता है। ओ भाई गाड़ी, तुझे अभी जाना है भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ, होपफुली तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं अभी इतना चिल्ला रहा था ताकि तुम्हें गाड़ी की आवाज़ ना आए और तुम्हारा मतलब कि वीडियो वाला मन बेकार ना जाए। और क्या तुम्हें मेरी वीडियोज़ देख के मज़ा आता है? मतलब मज़ा तो आता ही होगा, तभी तुम देखते हो ऑब्वियसली।
अरे मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ बार बार, मुझे तो नीचे जाना था। पता नहीं ये गेम क्या कराना चाह रहा है। हाँ मैं कहाँ था, हाँ मेरी वीडियोस में मज़ा आता है, मतलब कि ऐसा मज़ा कि चिप्स कुरकुरे मतलब खाते पीते देखने का, मतलब मैं तो नहीं बता सकता कि मेरी वीडियो अच्छी रहती कि नहीं, क्योंकि अपनी आवाज़ सुन के लोग पक जाते और पता ही रहता है कि क्या होने वाला है। तो मुझे तो अपनी वीडियो मैं नहीं देखता, बस वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और वो रहा साइरस, मतलब मुझे ऊपर से भी दिख रहा था ये, पता नहीं घूमे जा रहा था, पर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, अब तो गायब ही हो गया। ठीक है चलो, तो आएगा सब लोग सही जा रहे हैं। अरे ये क्या है, अरे गिरेटिना यार, बैटल ही कर लेना गिरेटिना। वैसे अगर गिरेटिना को पकड़ेंगे तो है, मतलब ये पकड़ना यार गिरेटिना। ओ ये अभी भाई, हम लोग सही में स्पाइडरमैन की तरह इधर उधर चढ़ रहे हैं ना यार। सही में मैंने अपने चैनल का नाम ही रख दे तो स्पाइडर ऐश, आह क्या बढ़िया नाम है, पर एक गेम के लिए क्या रखूँ। और हाँ स्पाइडरमैन की एक वीडियो आने वाली सही में। अब तुम लोग सोचोगे कि कौन सा वाला स्पाइडरमैन, कौन सा गेम का, अब तुम लोग बोलोगे कि वो जो पुराना जो तुम खेलते थे, नहीं वो वाली स्पाइडरमैन नहीं, थोड़ा फनी टाइप का है, मज़ा आएगा तुम्हें, आ जाएगा कुछ टाइम में, मैं नहीं बताऊँगा, थोड़ा भी हिंट नहीं दूँगा। चलो हिंट दे दूँ क्या, नहीं दूँगा। चलो तुम लोग पहले 1K करो, नहीं इसमें 15 लाइक्स कर दो, तब मैं बताऊँगा अगले वीडियो में कि क्या होगा। फ़िलहाल तो हम लोग कितना कूल लग रहा है यार, ये गेम बेस्ट है यार, इस गेम के आगे कोई बोल सकता ही नहीं। मतलब पोकेमॉन एमराल्ड व्यूज़ बहुत देता था, पर मुझे मज़ा इस गेम में आ रहा है। वो यार अजेल्फ भी दिख गया, जब जब बोल्डर दिख रहे तब तब ये ले गार्डियंस दिख रहे। आई गेस कुछ इसमें करना है, पता नहीं क्या करना है, पर कुछ तो करना है, तो ठीक है देखते हैं। और चलो डाल दो इसको अब बोल्डर नीचे, नॉइस, अब आगे बढ़ो। वो इधर ही तो हम लोग आए थे एक बार, मुझे याद है, पर इसके आगे हम लोग जा नहीं पा रहे थे। वो शायद इधर ही जाना है, वो आ गए हम लोग सही जगह। वो ये रही युगजी, युगजी है इधर, और इधर कौन है, अजेल्फ है। क्या हमें ये बोल्डर इसके अंदर डालना है, या ये तीन में से किसके अंदर डालना होगा, पर मुझे लग रहा है इसमें डालना है, क्योंकि ये एकदम पास है अजेल्फ के शायद, अगर मैं सही रहा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर से वही जाम ताम करना पड़ेगा, बोरिंग काम। पिल्लू, अरे पिल्लू, कुत्ते का पिल्लू नहीं, वो भाग गया शायद, हम लोग सही कर रहे थे कि गलत पता नहीं, पर मैं तो डाल रहा, मुझे तो सही लग रहा है हम लोग कर रहे। जैसे हमें शायद ये बोल्डर इसके नीचे डालना है, युगजी जहाँ है, लेट्स सी कुछ होगा। पिल, वो पिल्लू की आई है पिल की, अरे ये कहाँ गए। चलो अब बची मैस्प्रेट, कहाँ है यार मैस्प्रेट, तू कहाँ है, वो ये तो रही। चलो अब ये बोल्डर को भी उधर डाल देते हैं, ये क्या करेगी, उसने पिल्लू किया, एक ने पिल किया, ये क्या करेगी। पिल, ये युगजी की बहन है, मतलब हाँ दोनों ने पिल पिल किया, बाकी अजेल्फ ने पिल्लू किया। पिल्लू, ओ सिंथिया मेरी प्यारी, कहाँ थी तुम, आई गेस द पोकेमॉन ऑफ द लेक्स मस्ट हैव गॉन होम, आई अंडरस्टैंड दे कैन कीप बैलेंस अगेंस्ट देयर पार्किया और टियर्गा, डज इट मीन दे कांट डू दैट विद गिरेटिना, ओप्स दिस इज नो टाइम फॉर इडली, अरे सॉरी आइडल, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इडली बोला सही में यार, मेरे को मतलब मैं आइडल ही बोलने वाला था, गलती से इडली निकला, गलती से, समझ रहे हो। ओ साइरस है उधर, हम लोग अब बहुत नीचे आ गए, नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा मुझको अब। दिस इज सिट, गिरेटिना इज अप अहेड, ओके सिंथिया। चलो और ये साइरस भी है, सो यू वर ऑलरेडी हियर, व्हाई डू यू सीक टू चेंज द वर्ल्ड, If you hate our world, you should just go off somewhere alone. हाँ मर जा यार, इससे बढ़िया तू, जब तेको ये वर्ल्ड पसंद ही नहीं है, क्यों जी रहा है। Why should I run and hide from the world and have to wait quietly? My aim is to ride our world to
ऑफ द वैग्यू इनकम्प्लीट थिंग्स बाई फ्रीजिंग आर सेल्फ ऑफ दैट आर वर्ल्ड कैन बी दैट इज माई जस्टिस नो वन कैन इंटरफेयर। ओके अब क्या करना है, इससे बात करनी है क्या? हेलो साइरस कैसा है तू? आई वॉन्ट लूज क्या? नो नॉट टू दैट शेडो पोकेमॉन नॉट इन एनी वर्थलेस। अबे हमारी बैटल हो रही है, मेरे को तो लग रही है ये फाइनल बैटल है साइरस से और टीम गैलेक्टिक से भी फाइनल बैटल। इसका पहला ही पोकेमॉन होंडो में काफ़ी ख़तरनाक, मैंने शायद गलत पोकेमॉन डाल दिया आगे। नहीं या तो सही है क्योंकि इंफरनेप के पास क्लोज कॉम्पैक्ट है और ऑनडूम फायर के साथ साथ एक डार्क टाइप है और डार्क टाइप पे फाइटिंग अटैक्स काफ़ी काम करते। हमने पहली अटैक में सिक्सर मार लिया, देख लो जब पहली बॉल में काफ़ी सही था। अब इसके पास है कितने पोकेमॉन बाय द वे? क्योंकि मैं जब जब इससे लड़ा हूँ, मैं शायद दो बार लड़ा हूँ, इसके पास तीन ही पोकेमॉन थे, तीन या चार मुझे याद नहीं। एक तो मेरे को याद है इसका स्नीजल रहता था और वो गैराडोस भी पिछली बार नहीं था। गैराडोस के लिए तो लक्सरे काफ़ी काम आएगा क्योंकि एक तो वो वाटर टाइप है साथ ही साथ फ्लाइंग टाइप है, मतलब फोर टाइम्स है वीक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टाइप, काफ़ी मज़ा आएगा। पांच पोकेमॉन है यार बंदे के पास, मेरे को नहीं याद इसके पास हॉर्नडूम था या नहीं, ऐसे नहीं था शायद, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि जब मैंने इससे लास्ट टाइम बैटल की थी तब तो उसको बहुत टाइम हो गया था, फिर उसके बाद मैं गांव ही चला गया था तो मौका ही नहीं मिला, याद ही नहीं था। गैराडोस तो नहीं था, इतना तो पक्का है गैराडोस नहीं था इसके पास। एक स्नीजल था, एक वो था क्या नाम था, मरक्रो हाँ, मेरे को मुँह में लिया ही नहीं जा रहा था वो नाम। और ये गैराडोस बच कैसे गया? वो भाई अर्थ को काम गए, लक्सरे बच जा, लक्सरे नहीं मत मर यारे यार, एक तो लक्सरे का लेवल भी कम है। ओ वोट भाई अर्थ को एक बहुत तगड़ा अटैक है, साथ ही साथ 11 तो उसका लेवल 46 था तब भी हम लोग बच गए। क्या लक्सरे ओपी, लक्सरे के लिए ताली बचाया, ताली भाई मज़ा आ गया। लक्सरे तू कमाल है, ओ यार कैसे लक्सरे क्या कर रहे हैं वैसे, पर मैंने अच्छा किया इसको थंडरबोल्ट सिखा दिया। मेरे को लग रहा था कि मुझे सिखा लेना चाहिए अपने पोकेमॉन्स को नए अटैक्स क्योंकि आगे गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, इसीलिए मैं पहले ही रेडी था। और इसके साथ दो पोकेमॉन चले गए, ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, पर अभी भी तीन पोकेमॉन बचे। इसके साथ लक्सरे लेवल 42 का हो गया और ये क्रंच सीख रहा है। भाई मेरे कितने पोकेमॉन क्रंच सीखेंगे? मेरे फ्लोटजल के पास क्रंच है, गारचॉम के पास क्रंच है, अब इसके पास भी क्रंच है यार सही में। पर मैं एक दो में तो हटा दूंगा क्रंच क्योंकि सबके पास सेम अटैक रहेंगे तो सही नहीं रहेगा। और क्लोज कॉम्बैक्ट भी दो दो पोकेमॉन के पास है, एक तो स्टारैप्टर और इन्फिनेप, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इससे बढ़िया हम लोग मतलब कि एक ही रखते यार अटैक, कुछ बाकी और सिखाएंगे ना, जैसे हमारे में कमी है आइस टाइप के, आइस अटैक किसी को सिखा देंगे लाइक। और हमारे टीम में कमी और भी है, जैसे ड्रैगन तो है, ग्राउंड भी है, और कौन बचा यार? अबे टाइपिंग क्या थी, फेरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस टाइम पे। अरे मैं भूल गया, हाँ साइकिक है, साइकिक काम आता है तो ठीक है। और चलो और अगला जिम बता देना कि कौन सा होगा, जैसे मुझे पता है मैं मत बताओ इससे बढ़िया अगला जिम इलेक्ट्रिक होने वाला है क्योंकि यार मैंने पोकेमॉन प्लैटिनम में मतलब पोकेमॉन प्लैटिनम क्या, मुझे एनिमे में भी पता है कि एक वोल्कनर नाम का रहता है बंदा, काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब कि उसको टॉप 5 बेस्ट जिम लीडर की लिस्ट में भी आता है वो। उस तो उसने ऐश से बैटल की थी, मज़ा आया था वो बैटल में, दो बार किया, एक बार जिम बैटल किया और एक बार ये गलार रीजन में वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में किया था। काफ़ी मस्त बैटल थे। फिलहाल तो ये आइस पंच कर रहा है यार, तेरे को दिख भी रहा है कौन है सामने, इन्फर्नेप फायर टाइप पोकेमॉन और तेरा बाप उसके सामने एक मतलब बेकार अटैक कर रहा है। एक तो यार वीवाइल की स्पीड ज़्यादा रहती है यार, वो गड़बड़ है, मतलब अच्छा है वीवाइल की स्पीड ज़्यादा रहती क्योंकि ये शायद गारचॉम से भी फास्ट होगा क्योंकि इन्फर्नेप से तो फास्ट है ही। तो जिससे एक आइडिया है कि अगर मैं
सिंथिया के गारचॉम से बैटल करूँगा तो वी वायल काम आएगा। मेरे पास स्नीजल है और शायद मेरे को इवोल्यूशन स्टोन भी है उसके पास, शायद ये डस्ट नो स्टोन से इवॉल्व होता है ना, मेरे पास है तो हम इवॉल्व कर सकते हैं स्नीजल को। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हटाऊँ कौन सा पोकेमॉन, ये भी आ जाता है। कोई नहीं, तुम लोग मेरे को थोड़ी मेरी पार्टी बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि यार तुम लोग ओपी हो, तुम ही लोग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल तो मेरे हिसाब से लक्सरे अपनी जान देने वाला है, नहीं लक्सरे या तो मैं हाइपो पोशन कर लेता हूँ ना, तभी मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ। हाइपो पोशन करते आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। नाइस, हाइपो पोशन कर दी हमने और अब देखते ये भी पोशन यूज़ करेगा आई गेस। पहले तो एयर स्लैश यूज़ किया है, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा इसको लगा मैं। ओ इसने कुछ नहीं किया, मतलब मैं मार सकता हूँ इससे। एक तो यार मैंने क्विक क्लॉ लगाया है, काफ़ी फ़ायदा है क्विक क्लॉ से कि हमारा अटैक पहले लगेगा, और इसके साथ क्रोबैट भी चला गया। यार साइरस थोड़ी बहुत टक्कर दे पा रहा है पर इतना भी नहीं, मैं थोड़ा डर गया था पर नहीं। यार साइरस कौन है यार, हाउंड स्क्रो आ रहा है, वो इसने मर्क्रो इवॉल्व कर लिया। वैसे मैं अगली बार जब कभी खेलूँगा ना पोकेमॉन प्लैटिनम, मतलब वीडियो नहीं डालूँगा क्योंकि तुम लोग एक बार देख चुके हो, अब क्या बोर हो गए क्या इसलिए। पर मैं जब भी खेलूँगा मैं नए पार्टी के साथ खेलूँगा, अपनी नई टीम के साथ मज़ा आएगा। और एक तो हॉन्सक्रो के आगे लक्सरे काम आता, पर मैं सोच रहा हूँ अपने दूसरे पोकेमॉन को भी मौका देते जिससे उनका भी थोड़ा लेवल अप हो, क्योंकि स्टैराप्टर के पास क्लोज कॉम्पैक्ट है और हॉन्सक्रो एक डार्क टाइप पोकेमॉन, काफ़ी असर करेगा क्लोज कॉम्पैक्ट इसीलिए। एक तो यार मैं थक गया सही में इतना बोल के यार, इसको बस हरा दूँ फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ वीडियो एंड करने का। ऐसे भी काफ़ी बड़ी वीडियो ऐसे ही हो गई है। वो इसको हीट वेव भी आता है, ये सीख सकता है हीट वेव, मुझे नहीं पता था। एक और बार क्लोज कॉम्बैट करते हैं, हम लोग हरा तो नहीं पाएंगे, अगर क्रिटिकल हिट लग गया तो बात अलग है, लग जा प्लीज़। ओह रे यार नहीं लग पाया, ओके हम नहीं हरा पाए हॉन्सक्रो को, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी इसकी कमी एचपी पे आ गए तो हम लोग लक्सरे का यूज़ करते हैं और हरा देते हैं। यार तुम्हें क्या लगता है, इजीली हराएंगे यार इसे तो। अब मैं सोच रहा हूँ लास्ट जिम से पहले अपने सारे पोकेमॉन को लेवल 45 का कर लूँ। एक तो यार रुसेलिया को ट्रेनिंग नहीं दिया यार, गड़बड़ हो गई। पर मैं कैसे दूंगा उसको ट्रेनिंग, क्योंकि हमें एक चाहिए था यार स्ट्रेंथ रॉक स्मैश वाला बंदा जो कि अपना था ग्लाइगर। तो कोई नहीं हम उसे भी ट्रेनिंग देंगे, टेंशन मत लेना, वो भी काम आएगी यार इलेक्ट्रिक टाइप के सामने। गारचॉम और उसका ही काम आए, और मैं सोच रहा हूँ उसको इवॉल्व भी कर देंगे इसी के साथ ही साथ। और थंडरबोल्ट चला जाए एक अटैक में, नहीं यार कोई जा ही नहीं रहा है एक अटैक में। थंडर रहता तो बात ही अलग रहती, पर थंडर का एक और कमी है, वो उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती तो वो मिस होता रहता। पर कोई नहीं यार हमने हरा दिया लक्सरे को इतनी ईजीली, लक्सरे को हरा दिया मतलब हॉन्सक्रो को हरा दिया, तो ईजी नहीं हुआ, थोड़ा मुश्किल ही था, और हमने हरा दिया गैलेक्टिक बॉस साइरस को। चल निकल पहली फुर्सत में, तूने बहुत दिमाग ख़राब किया। मैंने टीम गैलेक्टिक को एंड कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, भागो निकलो, अब मेरे सामने नज़र भी ना लगाना, तुम्हारे सामने हाथ थू है। डोंट थिंक दैट यू कैन दिस ब्लिज़र्ड बर्ड इज नन अदर देन दैट पोकेमॉन इटसेल्फ, कैप्चरिंग इट और डिफीटिंग इट विल मेक दिस वर्ल्ड वेरी वेल, डू वॉट यू विल रैदर देन रिपेयरिंग द वर्ल्ड यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट फॉर मी, डू इट यू इनहर्ट माई लेगेसी। एक सेकेंड, मेरे दिमाग में अब ख्याल आया, सिंथिया एक चैम्पियन है ना, उसने क्यों क्या इससे बैटल नहीं की। कम ऑन सिंथिया, तुम क्या बोलूँ सिंथिया, तुम बहुत प्यारी हो पर तुम लुकर जैसे काम क्यों कर रहे हो, वो भी जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तभी आता है, तुम भी ऐसा कर रही हो यार सिंथिया, कम ऑन तुम चैम्पियन हो, तुम क्या कर रही हो। चलो कोई नहीं सिंथिया, कोई नहीं सिंथिया, टेंशन मत लो ज़्यादा, मुझे टेंशन दे रही हो बस,
लेट्स गो मीट गिरेटिना, ऐसे मीट गिरेटिना कर रही है जैसे उससे चाय पानी पूछने वाले। यार क्या बोलूँ, वो हमारे पवन फुल हील कर रही है यार। सिंथिया है यार बहुत प्यारी, कौन भड़क रहा था इस पर। नाउ लेट्स गो मीट गिरेटिना। अरे मुझे अभी नहीं जाना, मुझे वीडियो एंड करनी, मैंने तो सेव भी नहीं किया। ग्रेटिना इज़ एनोइड बिकॉज द टू वर्ल्ड्स आर। अरे मैं लड़की की आवाज़ में क्यों नहीं बात कर रहा, रुको ये आ थक गया। डेट्स वाई बोथ वर्ल्ड्स आर बिकमिंग डिस्ट्रॉयड बट देयर्स नथिंग टू फियर। यू कैन डिफीट ग्रेटिना एंड शो द टाइट बॉन्ड यू शेयर विथ योर पोकेमोन, और यू कैन डेमोस्ट्रेट हाउ मच यू वॉन्टेड टू जॉइन यू। If you succeed in doing either, Giratina will understand. The distortion of the two world will stop. सबसे पहली बात, सिंथिया मुझे अभी भी तय पर गुस्सा लग रहा है यार। ये क्या बंदी है, ये मेरे को कह रही है कि जाओ गिरेटिना से बात करो क्योंकि तुम्हारे पोकेमोन में है बात, मतलब तुम अपने पोकेमोन से प्यार करते हो। यार तू भी तो एक चैम्पियन है, तू तो मेरे से भी अभी ज़्यादा ताकतवर है। जा गिरेटिना को रोक, मेरा मास्टर बॉल लेके पकड़ ले उसे, फिर मुझे दे दे। एक 10 साल के बच्चे को भेज, चलो कोई नहीं कोई नहीं। गाइस वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट टाइम हम लोग, कल ही मैं डाल दूंगा वीडियो, ग्रेडिना को पकड़ेंगे। लाइक कर दो जो जो मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल तो मिलते कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।